नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं डेट नाइट शो। आज के शो में आपका स्वागत है और आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपनी लाइफ इंडियन आर्मी को समर्पित की है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। स्टेप बाई स्टेप बताना चाहेंगे कि आखिर आपने कौन सी एग्जाम को क्लियर किया है, इससे आपको क्या जॉब प्रेफरेंस मिलेंगी और उसके बाद में आपका मतलब काम क्या रहेगा स्पेशली। तो जो कि एग्ज़ाम है वो UPSC ट्वाइस ईयर कंडक्ट करवाती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, जिसमें लोग अपनी प्रेफरेंसेस डालते हैं एकेडमी का, और मेरा उसमें प्रेफरेंस OTA चेन्नई था। और उस एग्ज़ाम को रिटन को क्लियर करने के बाद SSB का प्रोसीजर होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है 5 डेज का। उसमें वो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी चेक करते हैं। मेन चीज़ जो होता है वो उसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है, तो जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है जो असेसर्स होते हैं वो उनको असेस करते हैं और जिनको उसमें मैक्सिमम दिख जाती है उनको रिकमेंड करते हैं। सो बेसिकली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर। मेरी इनिशियल पढ़ाई जयपुर में ही हुई और बाकी 8th to 12th मैंने बिरला बालिका विद्यापीठ पलानी, जो कि बेट्स कैंपस में है, वहाँ से किया। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद मैंने वापस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और जो मेरी रूट्स है, हमारा जो गांव कहा जाता है वो वाद्रा की तहसील ढाका जो गांव है वहाँ मेरी रूट्स हैं और हमारी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली वहीं पे रहती है। तो फैमिली में से पिताजी दादाजी क्या कुछ बैकग्राउंड है? जी मेरे दादाजी श्री प्रताप सिंह सेवदा जो हैं वो एडिशनल रिटायर्ड SP हैं। जो मेरे पिताजी हैं श्री रंजीत सिंह सेवदा, वो अभी पिलानी SHO हैं वहाँ। और मेरे चाचू हैं श्री सुधीर सिंह सेवदा, वो एक वो टीचर हैं, वो भाद्रा में ही अपना स्कूल में है। वो बताओ कि क्या बनोगे आप? हाँ, तो जैसे अब ये सारा जो भी है करने के बाद जो होते हैं ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे उनको नियुक्त किया जाता है, कमीशन होते हैं लेफ्टिनेंट में, उसके 2 साल बाद कैप्टन पे प्रमोशन होता है, नेक्स्ट मेजर पे प्रमोशन होता है। तो आने वाली जो लाइफ है आपकी पूरी आर्मी को समर्पित होने वाली, तो इसके पीछे आपने जो मेहनत करी है तो आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने स्टार्टिंग कब से किया था, क्योंकि लोगों को जैसे आफ्टर 12th आपने जैसे CDS से किया तो आफ्टर कॉलेज होता है, तो आफ्टर 12th ही लोग समझ नहीं पाते, बच्चे नहीं समझ पाते, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि क्या आर्मी जैसी नौकरी के लिए तो सोचते नहीं, क्योंकि उनके लिए लगता है कि वहाँ इनसिक्योरिटी है, बच्चियों के लिए पता नहीं क्या आगे क्या रहेगा। तो कब ये सोच सकते हैं कि हमें आगे अगर NDA क्लियर करना है तो कब से स्टार्ट करें? और अब तो जैसे आपने बताया गर्ल्स के लिए जैसे NDA है उसका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खोल दिया है आर्म फोर्सेज ने उनके लिए। तो NDA तो जैसे 12th के बाद ही होता है और प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी है वो पर्सनल लेवल पे डिपेंड करता है कि आपको कब। जैसे मेरे केस में था, मेरे को मैंने 9th में डिसाइड किया था कि मुझे आर्म फोर्सेज में जाना है। बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, ये अर्ली एज में काफ़ी आपको सोचना पड़ता है। हाँ, अगर आपको क्लियर करना है, जैसे कि मेरी सक्सेस में लॉकडाउन का बड़ा वो था क्योंकि मैंने लॉकडाउन के टाइम को बड़ा यूटिलाइज किया था। अच्छा अच्छा, तो कम से कम मैं ये बोलूँगी कि टू टू थ्री इयर्स कम से कम बच्चों को देना चाहिए अगर उन्हें कुछ अचीव करना है तो। यस, तो मतलब आपका कहने का मतलब जैसे आपने ही सोच लिया था कि 10th में ही आपने सोच लिया कि मुझे ये करियर चुनना है, तो आप भी जो लोग देख रहे हैं वो 10th में बच्चों को इतना कंफर्टेबल फील कराएं, उनको इतनी जानकारी एटलीस्ट अवेलेबल कराएं ताकि वो आगे आने वाले टाइम में क्या बनना चाहते हैं वो सोच सकें। उसके बाद में आपकी जो प्रिपरेशन की टाइम रही थी उस ड्यूरिंग के दौरान आपने कितना आपने पढ़ाई करी तो वो भी आप बता दीजिए थोड़ा सा। जी तो जैसे कि 2 entries मैंने बताया, तो एक ग्रेजुएशन एंट्री होता है जो कि जिस एंट्री से मैंने अपीयर किया था फाइनल ईयर में, और दूसरा होता है 12th के बाद NDA। तो वो डिपेंड करता है, अगर 12th में किसी को NDA क्लियर करना है तो उसको 9th-10th से मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, और अगर जिनको ग्रेजुएशन एंट्री से जाना है वो अगर फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो दैट विल बी गुड इनफ। और मेरा प्रिपरेशन की बात जहाँ तक करते हैं तो बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस था, बिकॉज ये बड़ा डिफरेंट एग्ज़ाम है। रिटन एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद सबसे बड़ा जो हर्डल होता है वो SSB होता है, क्योंकि आपका नॉलेज तो टेस्ट हो चुका है अब आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप 2 दिन में 3 दिन में नहीं बना सकते। आपको अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स पे काम करना पड़ता है सालों। तब तो ये मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा बीच में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी लोगों में इश्यू रहता है कि बच्चों में जो स्पेशली तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले दिन और SSB 5 दिन का इंटरव्यू, मैं तो उसको कैसे करूँगा? तो ये क्या क्या प्रोसेसिंग है, क्या इतना डर क्यों है लोगों में इस चीज़ को लेकर? आपने क्लियर किया तो आपको डर वही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा इन्होंने बना दिया गया है माहौल कि 5 डेज बहुत टफ है। लेकिन जैसे मेरा जो प्रोसीजर था, मैंने अपना पूरा SSB जो 5 डेज का था मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर।
क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो उन चीज़ों के लिए तो यही हम जानना चाहते हैं कि जो आपने इंजॉय वाले मूड में आप शिफ्ट हो गए, बच्चे वहाँ पे स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो वो अपोजिट आप निकले हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर आपकी हार्डवर्क और प्रिपरेशन पे डिपेंड करती है। मेन चीज़ होता है कि आप उस पर मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के और आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे तो सिर्फ एंजाइटी ही मिलेगा। यस यस, तो आप अपनी पूरी हार्डवर्क दीजिए, फिर आप अपने आप को टेस्ट करें हर लेवल पे कि आप उसके लिए गुड इनफ हैं कि नहीं, और अगर आपने एक टेस्ट किया है अपने आप को उसके बाद अगर आप वहाँ जाएंगे तो 5 डेज हो चाहे 7 डेज हो, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप बिल्कुल क्लियर करेंगे। मेन चीज़ें ये भी रहती है जो ज़्यादातर जैसे ऑनलाइन का टाइम है, सब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी को लेकर मतलब बुक लिस्ट की बहुत ही हो रही थी, तो आप ब्रीफ में आप बता सकते हैं थोड़े। बुक लिस्ट तो जैसे कि मैं बताऊंगी, मेरा 12th तक सब्जेक्ट्स PCM विद इकोनॉमिक्स था। यस यस, और CDS में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको OTA चेन्नई के लिए करना है। तो फर्स्ट तो होता है जनरल स्टडीज़ और होता है इंग्लिश। तो जनरल स्टडीज़ में अगर मैं बुक लिस्ट बताऊँ तो इकोनॉमिक्स का तो जैसे मेरा बेस रहा था 11th 12th का, मेनली मैंने TR-GEN और NCERT से कवर किया। उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा, और लक्ष्मीकांत को वैसे बस बहुत ज़्यादा लेंदी माना जाता है, आपको क्या लग रहा है? लेंदी तो अब वही बात है कि आप किस अकॉर्डिंगली आप पढ़ रहे हो। यस यस, तो क्योंकि ये पेपर UPSC ही कंडक्ट करवाता है, तो जनरली जो सिविल सर्विसेज की बुक्स थी UPSC की, मैंने उनको रेफर करना ज़्यादा सही समझा। Yes. क्योंकि एग्जाम चाहे सिविल सर्विस हो या CDS हो, कंडक्शन तो UPSC करवा रहा है। तो आपने मतलब पहले से स्ट्रेटजी वो पहले तय कर ली? हाँ जी, मैंने बुक लिस्ट बहुत वास्ट बना ली थी, मैंने काफ़ी बुक्स लॉकडाउन में, जैसे फॉर रीडिंग की हैबिट मुझे हमेशा से थी, मेरे को बुक्स पढ़ना पसंद है। Yes. तो मैंने बुक्स को चेक किया कि कौन सी एकेडमिकली और कौन सी पेपर के अकॉर्डिंग सही रहेंगी। Yes, yes. और वैसे ही मैंने प्रिपेयर किया। और आपने जैसे पूछा तो मिडेविल मैंने सतीश चंद्र से किया था, मॉडर्न मैंने बिपिन चंद्र से किया था, साइंस का तो बेस था। स्पेक्ट्रम का क्या, उसका भी ज़्यादा रोल? हाँ जी, स्पेक्ट्रम भी उसमें वो कंफ्यूज रहते हैं आपके विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम में बहुत लोग। बस डिफरेंस मैं इतना कहूँगी कि स्पेक्ट्रम में आपको सब नोट्स फॉर्मेट में रेडी मिलता है, और जो विपिन चंद्र है आपको उसको डबल या थ्राइस एटलीस्ट रीड करना पड़ेगा पॉइंट्स ढूंढने के लिए। तो स्पेक्ट्रम भी अच्छी बुक है, और वो मेनली पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक्स के साथ कंफर्टेबल हो। और नेक्स्ट एक पॉजिटिव ऐसे मैसेजेस जो बच्चे मतलब डिले कर देते हैं पढ़ाई में, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम इसके बाद स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या कह रहा था आपने पहले स्टार्टिंग में अर्ली एज में आपने शुरू कर लिया? जी, तो वही है, प्रोकास्टिनेशन और जो टाइम वेस्टेज है वो बड़ा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये दो हैं यूथ इस टाइम के, तो सबसे ज़्यादा ही। जी, तो वही बात है कि अगर उन्हें गोल अचीव करना है और उन्हें ये है कि करना ही है, तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे। अब हर चीज़ इन्वॉल्व हो के आप सोच रहे हैं हम घूम भी ले, हम मूवीज़ भी देख ले और हम पेपर भी क्लियर कर ले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे और मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी आपको गोल मिलेगा। और एक थोड़ा सा स्टडी की ड्यूरिंग, उसको लेकर बहुत टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है, कितना इनफ है? इनफ वो भी मैं फिर से बोलूँगी, काफ़ी व्यक्तिगत चीज़ आ जाती है ये, क्योंकि जैसे मेरा मैं अपना बताऊँ तो मैंने कभी आवर्स काउंट किए नहीं। मेरा रेगुलर मैं टारगेट्स बनाती थी, वीकली, मंथली, डेली, तो वो टारगेट्स कंप्लीट करना ही मेरा एम होता था। तो आज मैं बोलूँगी 6 to 8 hours, अगर आप चाहते हो कि आपको रैंक अच्छी आए तो 6 to 8 hours तो मिनिमम देने। जैसे कि UPSC वाला पूरा सिस्टम है। नेक्स्ट आपसे ये लास्ट जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चे आज जो भटक रहे हैं उनको ये मतलब फील नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं हमें फेसबुक पर लाइक्स मिल रहे हैं, वो रहे हैं, तो आपने क्या ये चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दी थी अपनी ज़िंदगी से? नहीं, जैसे वही बात है ना कि जैसे कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया का पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, अच्छे पेजेस लाइक करते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है, और कुछ लोग जैसे मैं थी, तो मेरा सोशल मीडिया से कभी इतना कनेक्ट रहा नहीं, क्योंकि जो सपोर्ट मुझे चाहिए था, जो स्ट्रेस बस्टर्स मुझे चाहिए थे, वो मेरे को मेरी फैमिली और क्लोज ग्रुप में मिल गया था। तो मुझे कभी सोशल मीडिया की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी उस सपोर्ट के लिए। और बच्चे अगर उसे यूज़ कर रहे हैं तो वही बात है, एक लिमिट में कर रहे हैं तो अच्छा है, वरना फिर वो एज अ डिस्ट्रैक्शन ही काम करेगा आपकी लाइफ में। एक लास्ट, क्योंकि आपने जितनी मतलब जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी है, जितनी हार्ड प्रिपरेशन को आपको चुना है, तो उसको लेकर बच्चे ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता IAS इनके लिए आप सिविल सर्विस में CSC को ज़्यादा चुनते हैं, तो आपने ये क्यों चुना, आर्मी क्यों चुना आपने? आर्मी जैसे मैंने बताया 9th में मैं RDC गई थी, रिपब्लिक डे कैंप मैंने अटेंड किया था, और राजपथ पे मैंने कमांड किया था, तो वहाँ मैंने पूरा 1 month का वो कैंप होता है जब आप दिल्ली कैंट में रहते हो,
वहाँ मैंने आर्मी ऑफिसर्स की लाइफस्टाइल को देखा, उनके वर्क को देखा, ओवरऑल पूरा आर्मी का वर्किंग देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ मैं काम करना चाहूँगी। तो वो वहीं से स्टार्ट हुआ जब मेरे को बड़े क्लोज क्वार्टर से आर्मी को देखने का मौका मिला एनसीसी के थ्रू। तो मैंने वहाँ डिसाइड किया था कि ये जॉब मेरे लिए है। इनिशियली बच्चों को डाउट यही होता है कि कौन सी फील्ड उनके लिए है। तो मैं तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप बस आंख बंद करके किसी भी प्रिपरेशन में डूबने से पहले आप ये देखो कि वो फील्ड आपके लिए है या नहीं। आप इसमें पर्सनली मैच करते हो कि नहीं करते। तो मेरा मैसेज फेलो मेरी गर्ल्स के लिए और जो है मेरी छोटी बहनें जो हैं उनके लिए है कि जो आजकल हर फील्ड में ये आर्मी में स्पेशली इस रेशियो को बड़ा कंपेयर करके उनको लो फील कराया जाता है कि मेल डोमिनेटेड फील्ड है। बेसिकली सारी फोर्सेस मेल डोमिनेटेड है। अगर हम देखें पुलिस की भी बात की जाए, आर्मी की भी की जाए, तो डोमिनेशन बड़ा नेगेटिव वर्ड यूज़ हो जाता है। अगर आप यू आर गुड इनफ तो आप भी रैंक्स में जा सकते हैं। जैसे आर्म फोर्सेस का एग्जांपल देखें तो कई लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मेजर जनरल्स हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है और वो आज भी कर रही हैं। तो किसी फील्ड से डर के उससे पीछे हटना तो सोल्यूशन नहीं है। उन्हें अपनी गोल के डिसाइड करना चाहिए उन्हें लाइफ में क्या करना है और उसके टुवर्ड्स अपना पूरा एफर्ट देना चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और एक बार फिर से शुभकामनाएं और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत आगे तक जाएं और हमारी शुभकामनाएं आप दर्शकों की तरफ से भी। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताना और देखते रहिए इंडिया टुनाइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट वी सोनी नेक्स्ट वीडियो।